अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा ताकि फिर मैं जो है वो सेशन को स्टार्ट करूं। 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कुछ और पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं। और ठीक है, मैं थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन, और आई होप कि सबको मेरी आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबली नज़र आ रही है, क्लियरली नज़र आ रही है। सही है, 1 से 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमें कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो हम जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। सही है, अपने आप को काइंडली अब्दुल्ला म्यूट कर लेना, सारे बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो और हम लोग बस 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उमेर और अब्दुल्ला, आप दोनों जो हो, आप दोनों ने क्या कहते हैं पीआरसी ख़त्म कर लिया अपना? काइंडली अपना पेपर स्टेटस मुझे बताना। आप दोनों ने अपना पीआरसी पूरा कर लिया और कैफ के पहले 3 पेपर्स दे रहे हो, क्या ऐसा है? काइंडली मुझे ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम उमेर और अब्दुल्ला, आप दोनों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, आई होप फुली, आई होप। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा, आप दोनों ने अपना पीआरसी का? नो सर, मेरे कैफ के लास्ट 3 रहते हैं, बाकी कैफ पास हैं। अच्छा उमेर, कैफ के कौन कौन से 3 पेपर्स रहते हैं आपके? काइंडली पहले तो ये बता दो मुझे कि कौन से 3 पेपर्स आपके कैफ के जो है ना वो बाकी हैं। CMA, FAR2 और ऑडिट, ठीक है, और बाकी क्लियर है, चलो सही है। और अब्दुल्ला, आपका क्या सिनेरियो है? आपके कितने पेपर्स क्लियर हैं या कितने बाकी हैं? मैंने अभी KF4 दिया है। सही है, ठीक है। अच्छा, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। और अब्दुल समी, आपके पेपर्स का क्या स्टेटस है? काइंडली सारे लोग जो है वो अपने आप को म्यूट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, अनम्यूट ना करें और इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, खुज़ैमा, उमेर, अब्दुल्ला, अब्दुल समी, आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में मुझे ये बात ज़रूर बता दो कि आप लोगों ने कितने पेपर्स दिए हुए हैं, कितने पेपर्स आप लोगों के क्लियर हैं, कितने पेपर्स बाकी हैं, पेपर्स का क्या स्टेटस है, पीआरसी कैफ का क्या स्टेटस है, और उसके बाद फिर मैं जो है वो अपनी मीटिंग जो है वो अपनी हम लोग जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, हम लोग जो है वो यहाँ पर KF3 का कोर्स कवर करेंगे। KF3 जो पहले KF8 होता था, विच इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। CMA का पेपर हम लोग कवर कर रहे होंगे। अच्छा, सैलानी पर CMA का जो सैलानी पर पेपर है ना, CMA का जो पेपर है, सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस पर, सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस, इसमें आपके पास 2 टीचर्स होंगे। एक तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, सर ताहा उपाठिया, ठीक है, और मेरे साथ जो है ना वो होंगे आप लोगों के लिए सर सादिक, ठीक है। सर सादिक ने अपनी पहली क्लास मंडे वाले दिन ले ली थी, तो आई होप कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो क्लास अटेंड करी थी। सर सादिक ने उसमें क्या पढ़ाया था मुझे आप लोग ये भी बता दें, और मैं और सर सादिक मैं साथ साथ बताता जाऊं कि 50% कोर्स तकरीबन मैं पढ़ा रहा हूँगा और तकरीबन 50% कोर्स जो है ना वो होगा सर सादिक के पास, ठीक है। 50% कोर्स जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँगा और तकरीबन 50% कोर्स जो है वो सर सादिक के पास होगा, और इस तरह से मिल मिलाकर हम अपनी पूरी के पूरे कोर्स की कवरेज करेंगे। अच्छा समी, सारी बातें मैं एक एक करके बिल्कुल बता देता हूँ, लाइव क्लासेस का भी बता देता हूँ। अच्छा देखें, आप लोगों का जो कोर्स होगा पूरा का पूरा,
वो ऑब्वियसली आप लोगों को सबको मालूम है कि सितंबर की अटेम्प्ट के लिए है, ठीक है ना। आप लोगों का जो कोर्स है वो सितंबर 2022 की अटेम्प्ट के लिए है, और सितंबर 2022 की अटेम्प्ट के लिए हम लोग जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे होंगे सैलानी के प्लेटफॉर्म पर। अच्छा देखिए, कोर्स का कुछ इस तरह से होगा कि आप लोगों की जो है ना वो तकरीबन तकरीबन जो लाइव क्लासेस होंगी ना, वो आप समझ लें कि तकरीबन एक एवरेज दूँ तो 100 आवर्स से लेकर 120 आवर्स की जो है ना वो लाइव क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को जिस तरह से अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से लाइव पढ़ाया जाएगा और आप लोगों के साथ आप लोगों के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जाएगा, क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेसन्स भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो तकरीबन तकरीबन आप समझ लो कि मैं आप लोगों को जो है वो तकरीबन तकरीबन 150 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जिसमें आप समझ लो कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी होंगी, यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी होंगे, प्लस जो पास्ट पेपर्स है ना, मैंने आईकेप के ऑटम 2010 से लेकर 2021 तक के सारे पास्ट पेपर्स सॉल्व करे हुए हैं, तो वो सारे पास्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, सॉल्व करे जाएंगे। या आप ऑन डिमांड अगर बोलोगे कि सर एक्स वाई जेड लेक्चर की रिकॉर्डिंग करवा दें, या एक्स वाई जेड कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और वो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो पहली बात आप लोगों को क्लियर कर दी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा सर क्या पोर्टल होगा? हाँ, पोर्टल बिल्कुल, पोर्टल हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। और पोर्टल जो है उसका एक्सेस जो है वो आप एडमिन से ले सकते हो, और एक्सेस के लिए एडमिन को कांटेक्ट करोगे। एक्सेस जो है वो मोस्ट लाइकली आप लोगों को जो है ना आफ्टर अराउंड आप कह लो कि आफ्टर 15 या 10 डेज, 10 दिन के बाद, 10 to 15 डेज, 10 to 15 डेज में जैसे ही जो है ना वो आपका अल्लाह भला करे एडमिशंस या इनरोलमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा। अच्छा देखिए, लाइव क्लासेस तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने एडमिन से मालूम किया होगा, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत हद तक मिल जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को पोर्टल का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए एक नॉमिनल सी फीस होगी, आप एडमिन से कंफर्म कर लीजिएगा, अराउंड 500 से शायद 700 रुपये पर पर्सन 6 महीने की टोटल फीस होगी, जिसके अगेंस्ट आपको पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ कि अपना मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर मैं अपना भी मेंशन कर देता हूँ पहले। मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 0345-3086312, ठीक है ना। आप लोग सब जो है, सब जितने भी बच्चे हो आप लोग मुझे कंप्लीट अपने नाम के साथ मेरे नंबर पर लाजमी तौर पर अभी के अभी व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूं। आप लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, अपना नाम मेंशन करें, नेम, ठीक है, और आपके कितने पीआरसी, एएफसी या कैफ के पेपर्स क्लियर हैं, अभी तक क्लियर करे हुए हैं आपने पेपर्स, ये मेंशन करें, अपना नाम मेंशन करें, और ज़रा मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आप लोगों का नंबर जो है वो सेव कर सकूं। साथ साथ कर दें, ताकि क्लास चल रही है तो आप साथ साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकें, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप लोग अपने कंप्लीट नाम वगैरह के साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिन जो है ना, एडमिन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में डिटेल चाहिए, पोर्टल के बारे में डिटेल चाहिए, या जो है वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड नहीं हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने ऐड होना है, क्योंकि मैं पीडीएफ वगैरह भेज रहा हूँगा, ठीक है ना। आप लोगों को मैं जो है वो व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल्स भेज रहा हूँगा, रिकॉर्डेड लेसन्स भेज रहा हूँगा, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें भेज रहा हूँगा जो आप लोग कवर कर रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एडमिन का नंबर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एडमिन का नंबर होना चाहिए। अब्दुल समी, मेरे ख्याल में तुम्हारा नंबर सेव होगा, लेकिन फिर भी तुम भी जो है वो मैसेज दोबारा से भेज दो, ताकि मुझे जो है ना एक रिकॉल हो जाए चीज़ें कि कौन कौन क्लास में है। आप लोगों का नंबर सेव भी है, फिर भी आप मैसेज भेज दो मुझे, ताकि आप लोगों का नाम जो है वो सामने मेरे व्हाट्सएप के आ जाए। मेरे पास डेली इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो फिर
थोड़ा मेरे लिए जो है ना वो कन्वीनियंट रहता है अगर मेरे सामने नाम जो है वो वापस आ रहा है। अच्छा, हसान हमारे पास एडमिन इंचार्ज होंगे। अगर आप लोगों को कभी भी पोर्टल का एक्सेस का मसला होगा, आप लोगों को लाइव क्लासेस के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए होगी, आप लोगों को शेड्यूल चाहिए होगा, आप लोगों को कोई पीडीएफ फाइल चाहिए होगी, रिकॉर्डेड लेसन जो है वो पोर्टल पर अपलोड हो रहे हैं उसका एक्सेस चाहिए होगा, तो आपके पास जो है ना वो एडमिन में दो लोग मौजूद हैं जो इस एडमिन को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक आपके पास है हसान, ठीक है ना, एक है आपके पास हसान, और हसान जो है इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0302 0302 5835 835 2548 2548। मैं रिपीट करता हूँ, 0302 0832 5548 यह हसान का नंबर है। आप हसान को मैसेज करेंगे ताकि हसान जो है वो आप लोगों को रेलेवेंट जो क्लास का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ऐड कर दें। इनके साथ साथ जो हसान भाई के साथ साथ जो दूसरे हमारे पास जो है एडमिन में या आप समझ लें कि एक टीचर असिस्टेंट मौजूद होते हैं वो है शहजार भाई, ठीक है ना। इनका भी मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ। इनका नंबर है 0312 0312 2542 2541 2311, ठीक है, 0312 2541 2311। तो अगर आपको किसी भी किस्म का इशू है, किसी दिन लाइव क्लास का आपको शेड्यूल नहीं मालूम है, आपको टाइम टेबल नहीं मालूम है, आपको पीडीएफ नहीं मिली है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं हो, या किसी तरह के भी किस्म का ऐसा ही सिमिलर मसला है, आपको पोर्टल का एक्सेस चाहिए, तो आप जो है ना वो इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हो और ये फ़ौरन से आपको जो है वो रिस्पॉन्ड कर और चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आप लोगों का कोई सवाल है इसमें? अच्छा, किसी ने मंडे वाली सर सादिक की क्लास अटेंड करी थी तो काइंडली मुझे बता दें कि उन्होंने क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करा और क्या पढ़ाया था। और इसके अलावा आप लोग जितने भी प्रेजेंट हो, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपना नंबर दे दिया और मैंने आप लोगों को एडमिन का नंबर भी दे दिया। मैंने ये भी बता दिया कि लाइव क्लासेस जो है वो कितनी देर की होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कितने मिल जाएंगे आपको, पोर्टल का एक्सेस जो है वो कितने दिनों बाद मिलेगा और किस तरह से मिल सकता है। व्हाट्सएप की फाइल्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड हो ये लाजमी तौर पर शर्त है, इसका बड़ा ख्याल रखना, ठीक है, कि आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप पर एडेड हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन दिया था सर ने। अच्छा, सही है सही है सही है सही है, ठीक है। तो जनाब यहाँ तक जो है वो मैंने कुछ सर बस इंट्रो दिया था और चैप्टर वाइज बताया था कि किस चैप्टर में क्या कवर होगा। सही है, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने इंट्रो दे दिया। अच्छा, अब आज की क्लास का हम एजेंडा ज़रा डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा यार देखो, ये बात याद रखना कि ऑनलाइन लर्निंग में जो है ना आपने अपने आप को पुश बहुत करना होगा। जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन लर्निंग में सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है जनाब कि आप लोग घर पे बैठकर जो है ना वो तैयारी कर रहे हो, तो आपने अपने आप को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुश करना है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा धक्का लगाना है। और जो टीचर, अच्छा सर पोर्टल पे कुछ एक्स्ट्रा होगा अदर देन रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस? जी बिल्कुल होगा उमेर, पोर्टल पर जो है वो बहुत सारे फर्दर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा और लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड तरीके में होगी, एक वेबसाइट के ज़रिए होगी, तो तुम्हें मसला नहीं होगा। और जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ना उमेर, शुरू की दो चार क्लासेस में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप लोगों को ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन बाद में जो है ना वो मैं पोर्टल पर ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करवा रहूँगा ताकि आप लोगों के पास वहाँ पे पोर्टल पर ही पड़े हुए हो ना लेक्चर्स। ऐसा नहीं हो कि मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूँ, आगे पीछे लेक्चर्स हो रहे हैं, बड़ा मसला हो रहा है आप लोगों को, इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है उमेर। और पोर्टल की यार एक नॉमिनल सी फीस होगी, वो नॉमिनल सी फीस आपने पे करनी है, 500 700 रुपये होंगे, आप एडमिन से पूछ लें, पूरे 6 महीने के, 1 महीने के नहीं, पूरे पूरे सितंबर 2022 तक के ये पैसे होंगे जिसमें आपको पोर्टल का बाकायदा प्रॉपर एक्सेस मिल जाएगा और 10 से 15 दिन बाद आपकी पोर्टल की यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। वहाँ पर लाइव क्लास भी अपलोड हो रही होंगी, वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में पोर्टल जो है उसको हासिल करना जो है वो वैल्यू फॉर मनी, आपको फ़ायदा देगी, आपको नुकसान नहीं देगी, ठीक है। अच्छा, अभी तक मुझे खुजैमे का मैसेज आया है, अब्दुल समी अब्दुल्ला और उमैर, आप लोग एक बार काइंडली मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप मैसेज कर दो ताकि मैं आप लोगों को रिकॉल कर सकूं कि आप लोग किस बैच में थे या आप लोग जो है वो किस लेवल पर हो या क्या पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड ना, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ तक कोई किसी का कंसर्न? चलो
चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी हमने बातें कर ली, ठीक है ना। अच्छा आप देखो यार, मैं आपसे नहीं पढ़ा मैंने कभी भी, सही है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यार ये बात याद रखना कि मैं जैसे कि अभी जिक्र कर रहा था कि ऑनलाइन लर्निंग में जो है ना, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना है, धक्का लगाना है। धक्का लगाना और पुश करने का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर जो है ना वो एक काबू रखना होता है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो है वो वक्त पर चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। तो इसके लिए जो मैं काम दूंगा इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ना कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दूंगा, तो जो मैं काम दूंगा ना इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैं पूरा पूरा आप लोगों के भरोसा करूंगा कि आप लोग जो है ना उसको कवर कर कर आओगे, ताकि फिर जब लाइव क्लास हो तो लाइव क्लास में मैं उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, लाइव क्लास में मैं जो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों उसके आप लोगों को जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, और आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है उस क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं, और अगर आप लोगों का कोई टेस्ट लेना मैं मुनासिब समझता हूं तो मैं टेस्ट ले लूं, आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लूं, और आप लोगों के मसले सारे बाकायदा प्रॉपर तौर पर हल करवा दूं, ठीक है। बात समझ गए हो आप लोग। तो आज भी मैं आप लोगों को जो है वो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दूंगा, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे वो आप जो है वो कवर कर कर आएंगे। अच्छा सर सादिक जो हैं, सर सादिक जो है वो अपना टाइम टेबल आप लोगों को खुद बताएंगे। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा लाइव क्लासेस लेंगे, तो सर सादिक की जो है ना वो हफ्ते में हो सकता है कि 2 to 3 लाइव क्लासेस एवरी वीक हो रही है। 2 to 3 लाइव क्लासेस, 2 to 3 लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते 2 से 3 लाइव क्लासेस ले रहे होंगे। मैं जो है ना, मैं अपना अगर शेड्यूल बताऊँ ना, तो मेरी जो लाइव क्लास होगी ना, मेरी जो लाइव क्लास होगी वो होगी एवरी ट्यूसडे। मेरी जो लाइव क्लास होगी वो होगी एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे वाले दिन मेरी एक लाइव क्लास हो रही होगी। सर सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी या खाली रमज़ान में ऑनलाइन है? नहीं खुजैमा, कैफ की सारी क्लासेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन ही होंगी, ऑन कैंपस क्लासेस नहीं होंगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम से एक आधा दिन या 2 दिन करीब, या एग्ज़ाम्स के 15-20 दिन के अंदर अंदर 2-4 बार आप लोगों को ऑन कैंपस बुला लें, या आप लोगों के टेस्ट जो है ना, टेस्ट टेस्ट ऑन कैंपस हो जाएंगे, ठीक है ना, टेस्ट ऑन कैंपस हो जाएंगे, या एंड में हो सकता है कि लेट से आखिरी एक महीना है तो उस लास्ट मंथ में आप लोगों की कुछ ऑन कैंपस क्लासेस हो जाएं। अदरवाइज आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो ऑन कैंपस नहीं होंगी, बल्कि वो ऑनलाइन हो रही होंगी, लाइव और रिकॉर्डेड के फॉर्म में हो रही होंगी। और जैसे ही आप पोर्टल का एक्सेस ले लोगे ना खुजैमा, तो आप लोगों को इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल पर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो आप लोग जो है वो उससे आराम से उसको देख सकोगे, ठीक है जी। कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो मैं ये कह रहा था कि सर सादिक की जो है ना वो हफ्ते में 2 से 3 लाइव क्लासेस हो रही होंगी, मेरी लाइव क्लास जो है ना वो एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे वाले दिन ही होगी, एक लाइव क्लास होगी पर वीक, और एवरी वीक जो है ना वो मैं आप लोगों को 5 आवर्स के रिकॉर्डेड लेसन्स दूंगा, जो आप लोग देख कर आओगे, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा। आज के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, उनके लिंक मिल जाएंगे। अगली 2-3 क्लासेस के लिए मैं व्हाट्सएप पर चीज़ें भेज दूंगा, और उसके बाद जब आप लोगों की एक पोर्टल की आईडी बन जाएगी तो फिर आप लोगों के लेक्चर्स जो है वो पोर्टल पर अपलोड हुआ करेंगे, ठीक है जनाब। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों के अभी भी कोई सवाल जवाब हैं, कोई मसले मसाइल हैं, तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि मैं आप लोगों के सवाल जवाब जो है वो आंसर कर दूँ, और फिर मैं जो है वो आगे बढ़ूँ। जी कोई सवाल किसी का? अच्छा मुझे खुजैमा का और अब्दुल्ला बिन जुबैर दो लोगों का मैसेज आ गया, ठीक है ना। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है, काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं वो आंसर करूँ, और उसके बाद फिर हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। दाने भाई आगे बढ़ सकते हैं हम, या कोई सवाल है आप लोगों का, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो काइंडली मुझे बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जो आपके पास एडमिन के और मेरे नंबर लिखे हुए हैं काइंडली ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए जी आगे आगे पढ़ना शुरू करें। सही है। अब्दुल्ला आपका भी कोई सवाल तो नहीं है किसी किस्म का? अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बता दो, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, और हम जो है वो पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास मौजूद है, तो जब आप लोग जो है वो क्लास के बाद इस रिकॉर्डिंग को देखोगे, एडमिन आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग को प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ से भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
अच्छा जी, चलें हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले जो टॉपिक करवाऊंगा ना, वो टॉपिक करवाऊंगा ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक। अच्छा जी, क्या आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या चीज़ है? कोई मुझे बता सकता है कि ब्रेक इवन किस चीज़ को कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या चीज़ है, या ब्रेक इवन क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ जी, ब्रेक इवन क्या चीज़ है? बिल्कुल सही कहा खुजैमा ने, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसपे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। ठीक है, इसकी एक बेसिक सी एग्जाम्पल लेते हैं आज, और एग्जाम्पल के ज़रिए ज़रा ब्रेक इवन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लो कि एक कंपनी है और उसके जो यूनिट्स की सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, वो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस उस कंपनी की है ₹250 पर यूनिट। ₹250 पर यूनिट एक कंपनी के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है। अच्छा, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, वो है ₹150 पर यूनिट। अच्छा, उस कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर लिहाज से पे करनी है और वो कभी चेंज नहीं होती है, और इस कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो है ₹400। अब सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पर चलते हैं। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता सकता है? सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि जितने में मैं कोई चीज़ बेचूंगा, जितने जितने में मैं कोई चीज़ बेचूंगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है मैं कोई चीज़ कितने रुपए में बेचूंगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज़ होती है? वेरिएबल कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं? अ कॉस्ट दैट कीप्स चेंजिंग, अ कॉस्ट दैट कीप्स चेंजिंग विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। अ कॉस्ट दैट कीप्स चेंजिंग विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होती रहे, इंक्रीज डिक्रीज होती रहे, उस कॉस्ट को हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अ कॉस्ट दैट कीप्स चेंजिंग विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक ऐसी कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा जो यूनिट्स के साथ जो चेंज होता रहे, ज़्यादा यूनिट्स पर ज़्यादा खर्चा और कम यूनिट्स पर कम खर्चा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन ही होती है अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, एक ऐसी कॉस्ट जो कभी भी चेंज नहीं होगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, लेट से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, कि इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा, कितने यूनिट्स पर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा, बताओ जी। कोई अगर बता सकता है तो मुझे बताए कि इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा। हाँ जी, अगर नहीं बता सकते हो तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दो ताकि मैं सॉल्व करूं, अदरवाइज मुझे बताओ कि इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा, कितने यूनिट्स पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा, अगर कोई बता सकता है। खुजैमा तुम बता सकते हो, अब्दुल्ला, सरवर, कोई बता सकते हो मुझे कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा, कितने यूनिट्स होगा? अच्छा चलो जी, मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा हो और ना लॉस हो रहा हो। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए ना आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ना, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस
वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा यहाँ तक आप जरा कॉपी करें, 2 मिनट देता हूँ, आप लोग यहाँ तक चीजें कॉपी करो। हाँ जी, यहाँ तक ज़रा इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बताना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते हैं। अच्छा, आप सबको ये तो पता है ना कि सेलिंग प्राइस क्या और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस चीज़ को कहते हैं? हाँ जी, अगर कोई भी टर्म जो है वो ना समझ में आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगर किसी टर्म में मसला हो ना कि इसका क्या मतलब है उसका क्या मतलब है, तो मुझे ज़रूर बताओ। कॉपी कर कर ज़रा मुझे बताना ताकि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है? सवाल को कॉपी कर कर मुझे बताना ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिक्वायरमेंट, पहले तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होगी? सेलिंग प्राइस कितनी है? 250। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 150। तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी ना वो हो जाएगी 100। 100 कहलाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आपको किसी भी सवाल में कंपनी का अगर आपको किसी भी सवाल में किसी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना हो, तो जो आपका ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? यहाँ पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? सर, हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो है 400। और यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 100 है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आएगा? 4 यूनिट्स आएगा। आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है ना वो 4 यूनिट्स आएगा। आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो 4 यूनिट्स आएगा, यानी कि 4 यूनिट्स बनाकर अगर मैं बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्या मतलब है इसका? 4 यूनिट मैं बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है? आई रिपीट, 4 यूनिट्स में बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है ना? अब हम इसको चेक चेक भी कर लेते हैं कि वाकई में क्या ऐसा ही है या नहीं। हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही है कि नहीं कि 4 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। देखो, सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू किस तरह आएगा बताओ? सेल्स रेवेन्यू
सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स रेवेन्यू का मतलब यह है कि मैं अगर मैं 4 यूनिट्स बेच रहा हूँ और 1 यूनिट में बेचता हूँ कितने में, 250 में, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना बनता है बताओ। हज़ार बनता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं इसमें से लेस कर देता हूँ अपनी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। मुझे बताओ कि अगर 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 150 है तो 4 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 4 × 150 यानी कि 600 होगी। ठीक है, अगर हम 600 माइनस करते हैं ना तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाती है। टोटल कंट्रीब्यूशन 1000 माइनस 600 इज 400। ठीक है, अच्छा अब 400 रुपये की हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट्स या लॉस निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होता है। अगर आप देखो कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो अगर हम यहाँ से लेस करते हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट है 400 रुपये, ये अगर हम माइनस करते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं? हम आ जाते हैं ज़ीरो पर, यानी कि हम आ जाते हैं नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पर। ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस हो रहा है, हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पर आ जाते हैं। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके फिर मुझे बताओ तो आगे बढ़े। ठीक है जी, कॉपी करके मुझे बताना। ठीक है भाई, कॉपी कर कर जरा मुझे बताना। कर लिया? सही है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ आपने पढ़नी है और वो है आपका यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट। यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस फॉर्मूले को कॉपी करो, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, इस फॉर्मूले को कॉपी करो।
यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी। अच्छा अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा। मिसाल के तौर पे लेट से ऊपर वाले ही सवाल में सवाल आपको बोले कि यार कंपनी ये चाह रही है, कंपनी जो है ना वो चाह रही है कि कंपनी जो है ना वो लेट से टारगेट प्रॉफिट, कंपनी का एक टारगेट प्रॉफिट है, कंपनी चाह रही है कि कंपनी जो है ना वो 300 रुपये का प्रॉफिट कमाए। कंपनी ये चाह रही है कि कंपनी जो है वो 300 रुपये का प्रॉफिट कमाए। तो अगर आपसे सवाल ये पूछे कि यार 300 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, आई रिपीट, अगर सवाल आपसे ये कहे कि 300 का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो आप लिखोगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कंपनी की है 400, प्लस टारगेट प्रॉफिट, कंपनी चाहती है कि वो 300 रुपये का प्रॉफिट कमाए, तो 400 प्लस 300 दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 100 रुपये थी, कितना आया? 7 यूनिट्स आया। ठीक है, इसको कॉपी करो तो मैं स्क्रॉल डाउन करूं, यानी कि 7 यूनिट्स मुझे ये बता रहा है कि अगर कंपनी 7 यूनिट्स बनाकर बेचेगी, अगर कंपनी 7 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी का 300 का प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी 7 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी को 300 का मुनाफा होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसको ज़रा प्रूफ भी कर देता हूँ। जब कंपनी 7 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा बताओ। जब कंपनी 7 यूनिट्स बनाकर बेचेगी, एक यूनिट कंपनी 250 का बनाकर बेचती है, तो 7 × 250 कितना बनता है? 7 × 250 बन जाएगा 1750। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा 7 यूनिट्स की बात हो रही है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 150, तो 7 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? एक 1050। ठीक है, फिर हमने सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो जो बच गया उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई 700। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो है 400। तो अगर हमने फिक्स कॉस्ट को भी माइनस कर दिया तो हमारे पास 300 का क्या आ जाता है? 300 का आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, देखो यही हमें कैलकुलेट करना था ना कि 300 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचने चाहिए। तो 300 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे जो है वो 7 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अगर मैं 7 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मैं 300 का मुनाफा या 300 का प्रॉफिट कमा लूँगा, 300 का मुनाफा या 300 का प्रॉफिट कमा लूँगा। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट कर बताना था। डन हो गया, कोई मसला इसमें? कॉपी कर लें काइंडली जल्दी से।
अब्दुल्ला, खुजैमा, जो स्क्रीन पर चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बातें समझ में आ गई? सही है जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी, दो मेन चीज़ें पढ़ी। एक मेन चीज़ हमने ये पढ़ी कि यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। दूसरी हमने मेन चीज़ ये पढ़ी कि हम लोग जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन किस तरह से निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। एक, दो और तीन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो है वो अभी डिस्कस करनी है। आप लोग इसकी पिक्चर भी ले लो और अपने पास जो है वो मोबाइल में सेव कर लो, फोल्डर कोई लैपटॉप में मेंटेन करते हो उसमें सेव कर लो, अपने पास लिख लो। जी, अब देखो आज की क्लास में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाना था, क्योंकि शुरू की क्लासेस में अभी बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट को स्टार्ट किया है, ब्रेक इवन एनालिसिस को स्टार्ट किया, और कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों के सामने जो नज़र आ रही हैं वो डिस्कस करी हैं। इसके अलावा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप लोग जो है वो जल्दी से जल्दी पोर्टल का एक्सेस ले लो एडमिन से, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए तो मैं आप लोगों को अभी फर्दर गाइडेंस देने लगा हूँ। मुझे अभी तक खुजैमा ने और अब्दुल्ला ने मैसेज किया है, जुहेर आप भी मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करी थी। एडमिन का नंबर सेव कर लो, एडमिन का नंबर सेव कर लो, एडमिन को बोलो कि आप लोगों को कॉस्टिंग के व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दें, और आप लोगों को जो है वो पोर्टल का जो एक्सेस है उसकी बात कर लो। ये जो अभी लाइव क्लास हुई है, एक छोटी सी लाइव क्लास, ताकि मैं आप लोगों को जो है वो एक स्टार्ट दे दूं, ये लाइव क्लास जो है वो आप लोगों को पोर्टल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी। इसके अलावा आज क्योंकि पहली क्लास है, रमज़ान भी चल रहा है और ज़्यादा अभी जो है वो पढ़ाई बच्चे कर भी नहीं रहे हैं, जो सच बात है, तो मैं इतना ज़्यादा अभी लाइव क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर रहा। मैंने जैसे कि डिस्कस किया था कि 100 से 120 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, मैं आप लोगों को अभी जो है ना वो 5 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा। 5 आवर्स के जो है ना वो मैं कुछ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूँ, ठीक है? वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने नेक्स्ट ट्यूसडे तक देख कर आने हैं, ठीक है? आप लोग रोज़ 1 घंटा अगर निकाल लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, तो इसका मतलब 5 दिन में आप लेक्चर्स ख़त्म कर लेंगे। 5 घंटे से कम के ही होंगे, 3-4 घंटे के दूंगा, चलो 3 से 4 घंटे के दूंगा। तो काइंडली उनको फास्ट फॉरवर्ड में एक बार स्किम थ्रू कर कर आइएगा, गो थ्रू कर कर आइएगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ऑनलाइन, यहाँ पर लाइव जो क्लास होगी, सर सादिक तो अपनी 2-3 क्लासेस हफ्ते में ले रहे होंगे, लेकिन मेरी जो आप लोगों के साथ अगली लाइव क्लास कमिंग ट्यूसडे वाले दिन होगी, उसमें मैं ये 5 जो लेक्चर्स आप लोगों को अभी सैलानी के व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजूंगा, मैं इनफैक्ट एडमिन को दे दूंगा, हसान और शेजर को दे दूंगा, ये लोग आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। शुरू किए 15 दिन मैं जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के लिंक्स के थ्रू आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को पोर्टल के थ्रू ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे। तो पोर्टल पर आपकी एनरोलमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है कि आप पोर्टल पर एनरोल हो, ठीक है? आप पोर्टल पर एनरोल होगे, आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे वहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जो लाइव क्लासेस हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर मौजूद होंगी। आपने पोर्टल पर हर वक्त मौजूद होना होगा, और आप लोगों के जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके पोर्टल की भी आप लोग एडमिन से बात कर लो। मैं अब इस मीटिंग को बस 5 मिनट के अंदर एंड करने लगा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ। किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताए। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल? सही है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है ना, ठीक है? तो काइंडली याद से आज आप लोग पोर्टल का एक्सेस ले लीजिएगा और ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। अच्छा, ग्रुप में मैं ये वाली पीडीएफ भी भेज देता हूँ, जो करंट आज हमने पढ़ा है ना, इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, और मैं ग्रुप में जो है वो आप लोगों को लेक्चर्स जिसकी मैंने बात करी वो भी भेज रहा हूँ।
जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया काइंडली वो पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो शुरू से देख लें ताकि उनको समझ में आ जाए कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है भाई, चलो अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और आप लोग मेक श्योर कर लेना कि आप लोगों ने एडमिन को मैसेज किया हुआ ताकि वो कॉस्टिंग के आपको ग्रुप में ऐड कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।